कि संध्या के समय में जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो कार्य हम कर रहे होते हैं। अगर अनजाने में भी आपने ये कार्य संध्या के समय में किया, जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय अगर आपने ये पांच काम किया तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपके घर में कभी सुख शांति समृद्धि वैभव यश कीर्ति हो ही नहीं सकता। अगर आप भी ये पांच कार्य करते हैं तो आज ही सुधार लीजिए। माताएं ध्यान दें, विशेष करके आपके लिए ये कार्य ये बात बताने जा रही हूँ। ये पांच कार्य कौन से हैं? देखिए, अगर सूर्यास्त के समय में संध्या काल के समय में घर की माताएं अगर सोती है, कई बार होता है ना थकान, दिन भर काम करके थकान हो जाता है, तो शाम के समय में माताएं जाकर के सो जाती है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में लक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संध्या के समय में घर में जब आरती हो, दीपक जले, शंख घंटी ध्वनि आपके घर में हो, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके घर में वैभव सुख शांति बरसाएंगी। अगर घर की लक्ष्मी ही संध्या के समय में सो जाती है तो इस घर में कभी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। आपके घर में से सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाएगा। ये कार्य कभी भी माताएं बिल्कुल ना करें। दूसरा कार्य क्या है जो संध्या के समय में हमें भूल करके भी नहीं करना है? संध्या के समय में आप अगर किसी का आदत होता है, अब ये बात ज़्यादा बाबा लोगों के लिए लागू होता है, क्योंकि ऑफिस से जब काम करके आते हैं तो तुरंत भोजन करते हैं। ऑफिस से आइए, हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर आरती पूजा पाठ करें, फिर उसके बाद भोजन करें। दिन में भी तो आप नाश्ता तो करते ही होंगे ना। भोजन अगर संध्या के समय में किया जाए तो वो व्यक्ति को पेट संबंधी रोग हो जाएगा, उधर रोग हो जाएगा। और संध्या के समय में जूठा नहीं होना चाहिए घर में। संध्या के समय में पूजा पाठ करिए, भोजन का समय कुछ देर बाद का है। शयन और भोजन बिल्कुल वर्जित है। और तीसरे नंबर में कहा, अगर सूर्यास्त के समय में संध्या के समय में घर में अगर झाड़ू पोछा लगाने लगोगे तो घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएंगी। संध्या के समय में कभी भी झाड़ू ना लगाएं। कई बार माताएं जान करके भी अनजाने में भी ये भूल कर सकती हैं। हम जानते हैं माताओं को बहुत ज़्यादा शौक है कि घर सफाई हो, बढ़िया चमकता हुआ घर मिले, तो ये कार्य आप सुबह करें। संध्या के समय में पूजा पाठ करें, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप संध्या में झाड़ू मारेंगी तो लक्ष्मी जी आते आते वापस चली जाएंगी। और चौथा कारण, अगर आप संध्या के समय में बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, बाल और नाखून काटते हैं, तो भी आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए संध्या के समय बाल नाखून काटना बिल्कुल मना है। और पांचवा काम क्या नहीं करना चाहिए? अगर संध्या के समय में आपने गर्भधारण संस्कार किया तो आपके घर में बालक तो होगा लेकिन जिद्दी क्रोधी इस स्वभाव का आपका बालक का जन्म होगा। इसलिए ये पांच कार्य संध्या के समय में कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप सुन सकते हैं, अगर भूल गए हो तो दोबारा सुन लीजिए, लेकिन ये पांच कार्य कभी भी जीवन में मत करिएगा। आप स्वयं का बर्बाद कर रहे हो, अपने घर में से सुख शांति वैभव यश कीर्ति को आप मिटा रहे हो। ये पांच कार्य बिल्कुल ना करें। प्यार से बोल दीजिए।